साथियों, मैं मोहम्मद मुर्शिद ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से आप सभी का फिनो लर्निंग जोन में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको खाता खोलने संबंधित जानकारी देंगे कि कैसे मर्चेंट्स अपने कस्टमर का खाता खोल सकते हैं। इस वीडियो में हम शुभ सेविंग अकाउंट के बारे में आपको बताएंगे। इसके लिए हमारे फिनो मर्चेंट्स को सबसे पहले अपनी मित्र ऐप पर लॉगिन करना होता है। लॉगिन करते ही हम होम पेज की स्क्रीन पर आ जाते हैं, जहां पर कस्टमर का नंबर सर्च बार में इंटर करते हैं। कस्टमर का नंबर इंटर करने के बाद हम इसको सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सर्च करते ही हमें ओपन अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। हम ओपन अकाउंट पर क्लिक करते हैं, जहां पर हमें अलग अलग तरह के खाते दिखाई देते हैं। प्रथम सेविंग अकाउंट, भविष्य सेविंग अकाउंट, इस तरह के खाते दिखाई देंगे। जहां हम शुभ शुभ सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं, तो सबसे नीचे हम शुभ सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही शुभ सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स हमें दिखाई देंगे। इसके बाद कार्ड वेरिएंट्स, अलग अलग तरह के कार्ड हमारे पास, क्लासिक कार्ड है, प्लैटिनम कार्ड है। तो अगर हम प्लैटिनम कार्ड लेना चाहते हैं तो हमने प्लैटिनम कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगर आप अपना अकाउंट आधार से सीड करना चाहते हैं तो हम यहां पर यस कर देते हैं। अगर हमें डीबीटी के बेनिफिट्स चाहिए तो हम इसको यस कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम प्रोमो कोड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर प्रोमो कोड में हम लोग NA कर देते हैं। फिर इसके बाद EKYC पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर EKYC पर क्लिक करते ही हमारे पास सामने स्क्रीन आ जाती है, जहाँ पर हम कस्टमर का आधार नंबर इंटर करते हैं। यहाँ पर हम आधार नंबर कस्टमर का इंटर कर रहे हैं और यहाँ पर हम 12 डिजिट का आधार नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर इंटर करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने आधार नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट कर दिया और कस्टमर की फिंगरप्रिंट्स मांगते हैं। कस्टमर की फिंगरप्रिंट्स हमने लगाई और डिटेल फिच हो करके आधार की आपकी स्क्रीन के सामने आ गई। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। अगर फोटो माइनर है तो फिर आपको फोटो चेंज करना होगा। यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमें फिलअप करनी होती है, जैसे ईमेल आईडी, मदर्स मैडन नेम, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें फिलअप करनी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ईमेल आईडी है, मदर्स मैडन नेम है। यहाँ मदर्स मैडन नेम में हम कस्टमर की मदर का नाम इंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमने कस्टमर की माँ का नाम इंटर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने नाम इंटर किया मदर का। और फिर इसके बाद हम ईमेल आईडी अगर हमारे पास है तो हम ईमेल आईडी भी यहाँ पर इंटर करेंगे। और ईमेल आईडी इंटर करते समय आपको ध्यान देना है कि सही सही लेटर आप इंटर करें, ताकि कोई गलती ना हो। और इस तरह से हम लोग ईमेल आईडी प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पर इंटर कर रहे हैं। और यहाँ पर ईमेल आईडी हम इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद फिर इसके बाद हम ऑप्शन के ऑप्शन पर पहुंचेंगे कि क्या कारोबार करते हैं, क्या बिजनेसमैन है, सैलरीड पर्सन है, एग्रीकल्चर संबंधित करते हैं, यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमने सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक किया। और मेलिंग एड्रेस आधार से सेम है तो वहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद कस्टमर का फिंगरप्रिंट्स हमने लेंगे। कस्टमर का फिंगरप्रिंट्स हमने लिया और सबमिट कर दिया। यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही फिर पैन की डिटेल्स हमसे पूछी जाएगी। यहाँ पर पैन की डिटेल्स लिखने के लिए हमें सबसे पहले, अगर आपके पास पैन है तो पैन नंबर, या अगर पैन नहीं है तो फॉर्म 60 हम लोग फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर पैन नंबर हमारे पास कस्टमर का है तो हम पैन नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर पैन नंबर हम लिख लेते हैं। पैन नंबर सही सही हमें देख करके लिखना है, ताकि कोई गलती ना हो। और फिर हम पैन को कैप्चर, मतलब फ़ोटो क्लिक करेंगे, पैन की क्लियर फ़ोटो कैप्चर करेंगे, ताकि भविष्य में इसमें कोई दिक्कत ना हो और ये जो फ़ोटो हो वो पूरी तरह से रेडेबल हो और हम कहीं से भी उसको पढ़ सकें। और फ़ोटो इस तरह से क्लिक करें जिससे चारों कॉर्नर उसके कवर हो जाएं। तो हमने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर ली है और आप देख सकते हैं क्रॉप के माध्यम से हम इस फ़ोटो को सेट कर लेते हैं और चारों कॉर्नर देखिए हमारे पास अवेलेबल हैं और ये रेडेबल भी है। इस तरह से क्लियर फ़ोटो हमें खींचनी है। इसके बाद हमने ओपन कर लिया। पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, नकल पॉलिटिकल पर्सन है नहीं है तो नो हमने कर दिया। और फिर फटका डिक्लेरेशन किया। और फिर इसके बाद नॉमिनी का एड्रेस, कस्टमर के एड्रेस से सेम है तो हमने वहाँ पर टिक मार्क कर दिया। और फिर इसके बाद नॉमिनी का नाम हम मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमने नॉमिनी का नाम मेंशन किया। नॉमिनी का नाम मेंशन करने के बाद उनका रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी के नाम से, वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, वो यहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ भी हमने इंटर कर दी। यहाँ पर हमने नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ भी इंटर कर दी। इसके बाद कुछ जनरल डिटेल्स होती हैं जो हम फिलअप करते हैं। यहाँ पर देखिए मेंबर्स कितने हैं, अर्निंग वाले एक हैं या दो, जो भी हैं वो हम लिख देंगे। जो एनुअली इनकम है वो यहाँ पर हम इंटर करेंगे। इसके बाद हमने नेक्स्ट कर दिया। फिर किट डिटेल्स पर आ गए। अब हमारे पास वेलकम किट्स और डेबिट कार्ड किट, जो हम कस्टमर को हाथों हाथ देते हैं खाता खोलने के बाद, तो वो यहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे। यहाँ पर हमने इंस्टा किट या वेलकम किट के नंबर यहाँ पर हमने इंटर किए। इसके बाद डेबिट कार्ड के नंबर हम यहाँ पर इंटर करेंगे।
यहाँ पर हमने देखिए डेबिट कार्ड के नंबर इंटर कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पेमेंट डिटेल्स, क्योंकि 400 रुपये से हम लोग इनिशियल फंडिंग कर रहे हैं शुभ सेविंग अकाउंट के, तो 400 रुपये यहाँ पर इंटर किए और फिर इसके बाद हम यहाँ पर कंसेंट देंगे और टर्म्स एंड कंडीशन हम एक्सेप्ट करेंगे और फिर हम इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पर हमें जो कंसेंट होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उन दोनों पर हमें क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सबमिट कर देंगे। जब हम इसको सबमिट कर देते हैं फिर ये आगे फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पर हमने देखे दोनों नीचे गए और यहाँ पर हमने क्लिक किया और नेक्स्ट कर दिया, कंसेंट हमने दे दिया और इसके बाद कस्टमर की जो फिंगरप्रिंट्स होगी वो हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड का थंब हमने कस्टमर का लिया, फिर इसके बाद हमने लेफ्ट साइड की जो इंडेक्स फिंगर है वो हमने फिंगर ली, इसके बाद लेफ्ट हैंड का जो मिडिल फिंगर है वो हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर मिडिल फिंगर कैप्चर कर रहे हैं, हमने मिडिल फिंगर कैप्चर कर ली। इसके बाद रिंग फिंगर हम कैप्चर करना चाहते हैं तो हमने रिंग फिंगर भी यहाँ पर हम कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद लिटिल फिंगर जो लेफ्ट हैंड की है वो भी हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड की सारी उंगली कंप्लीट हो गई। अब हम राइट हैंड की जो फिंगर है वो हम लोग कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पर हम थंब यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम राइट थंब यहाँ पर कैप्चर करेंगे। राइट थंब हमने कैप्चर कर लिया, इसके बाद हम इंडेक्स फिंगर पर आएंगे। इंडेक्स फिंगर को हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर इंडेक्स फिंगर को कैप्चर कर लेंगे तब हम यहाँ पर मिडिल फिंगर में जाएंगे। अभी हम इंडेक्स फिंगर को कैप्चर कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इंडेक्स फिंगर को कैप्चर कर लिया। इसके बाद हम मिडिल फिंगर को कैप्चर करेंगे राइट हैंड की, तो यहाँ पर राइट हैंड की मिडिल फिंगर भी कैप्चर हो गई और इसके बाद यहाँ पर हम लोग रिंग फिंगर की तरफ गए और रिंग फिंगर भी कैप्चर हो गई और फिर लिटिल फिंगर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर लिटिल फिंगर भी हमने कैप्चर कर ली। हमने यहाँ पर कंसेंट दे दिया और फिर नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करते ही हमारे पास कस्टमर का जो फिंगरप्रिंट्स होगी वो मांगेगा, वहाँ पर हमने कस्टमर की फिंगरप्रिंट्स दी और इसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। कस्टमर ने हमें ओटीपी कंफर्म किया और ओटीपी कंफर्म करते ही कस्टमर का अकाउंट ओपन हो जाएगा और इस तरह से आपके पास ओपन अकाउंट का मैसेज भी दिखाई देगा। इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे फिनो पेमेंट्स बैंक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।